नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम महिलाएं बाल अपराध से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के आदेश की कॉपी पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी? तो धारा 24 के अंतर्गत आदेश की कॉपी पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ी एवं सिगार कलम का नियोजन स्थिति कानून कब बना? तो 1966 में बीड़ी एवं सिगार कलम का नियोजन स्थिति कानून बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम दिवस व अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब आता है? तो विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को व अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल कब अनुमोदित किया गया? तो 31 जुलाई 2019 को तीन तलाक द मुस्लिम वीमेन एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द द्योतक है, कोई नर मानव किसी भी आयु का हो वह पुरुष शब्द के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आदमी सामान्य आशय से कोई अपराध करते हैं, वे सभी दोषी हैं? तो सभी संयुक्त रूप से दोषी माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है? तो 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता प्रभावी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 को कब अधिनियम किया गया? तो 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता को अधिनियम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के पहले विधि आयोग द्वारा किया गया था, और भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है? तो धारा 4 के तहत घरेलू हिंसा की सूचना संरक्षण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम कब बनाया? तो 1994 में भारत सरकार ने भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिनियम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा आधार योजना से संबंधित कथन है? तो दोनों कथन सही हैं, और फ्रेंड्स ये कथन आप आराम से पढ़ लेना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सेवा आधार योजना 2001-02 में प्रारंभ की गई, और यह पीड़ित महिलाओं के जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और जीवन यापन के लिए स्वयं पर आश्रित रहें इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए विकल्प ऑनलाइन पोर्टल जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो विकल्प ऑनलाइन पोर्टल जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ये कौन से हैं? तो 1090, 1091, 112 व 181, ये सभी महिला हेल्पलाइन नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी ऑनलाइन पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो नारी ऑनलाइन पोर्टल 2018 से प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज से क्या अभिप्राय है? तो विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से ली जाने वाली धनराशि एवं वस्तुएं दहेज के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज लेने वाले व्यक्ति पर कितने रुपये आर्थिक दंड का प्रावधान है? तो दहेज लेने वाले व्यक्ति पर 15,000 रुपये के आर्थिक दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार ने महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की जल्दी सुनवाई के लिए वर्ष 2013 में कितने अपर जिला न्यायालय स्तर के विशिष्ट न्यायालय खोले? तो राजस्थान राज्य सरकार ने महिला उत्पीड़न के लिए 5 न्यायालय स्तर के विशिष्ट न्यायालय खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज से संबंधित आईपीसी की किस धारा में उल्लेखित है कि किसी स्त्री द्वारा उसका स्त्री धन वापस मांगा जाता है और देने से मना कर दिया जाए तो 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? तो धारा 406 के अंतर्गत अगर किसी स्त्री द्वारा उसके स्त्री धन वापस मांगा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा के मुख्य क्या कारण हैं? तो व्यक्ति द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण, अशिक्षा के कारण और महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण दहेज, ये सभी दहेज प्रथा के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा के मुख्य रूप से समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणाम क्या हैं? तो पारिवारिक विघटन, बेमेल विवाह एवं ऋणग्रस्तता, पत्नी या विवाहिता द्वारा आत्महत्या कर लेना, मानसिक असंतुलन एवं कई बार अविवाहित जीवन बिताने का निर्णय लेना, और अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना तथा व्यापारी प्रवृत्ति का विकास होना, ये सभी समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणाम हैं दहेज प्रथा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी? तो बूंदी रियासत ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में
दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक व राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सती मंदिर कहाँ है? तो झुंझुनू में देश का सबसे बड़ा सती मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती रोकथाम अधिनियम भारत सरकार ने संघीय कानून में कब शामिल किया? तो 1988 में सती रोकथाम अधिनियम संघीय कानून में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन कब किया गया? तो 2010 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में लागू किया गया, कानूनी चिकित्सक महिला अधिनियम 1923 में और विदेशी विवाह अधिनियम 1969 में लागू किया गया, जबकि विशेष विवाह अधिनियम 1958 में लागू नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत बताना है? तो राजस्थान महिला अत्याचार से रोकथाम और संरक्षण का मसौदा विधेयक 2014। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। इसके अलावा तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो 23 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE को कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल नीति भारत सरकार द्वारा कब अंगीकार की गई? तो 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति भारत सरकार द्वारा अंगीकार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2003 में कुल अध्याय व धाराएं कितनी हैं? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 7 अध्याय व 37 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल में फंसे बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा नंबर है? तो 1098 मुश्किल में फंसे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के गुमशुदा होने से संबंधित सूचना एवं जानकारी तथा शिकायत की सुविधा किस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है? तो खोया पाया पोर्टल पर गुमशुदा बच्चों से संबंधित सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो गड्डी पंचायत समिति से राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं व महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्य की महिला नीति की घोषणा कब की गई? तो 8 मार्च 2000 को राज्य की पहली महिला नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बालिका नीति का विमोचन कब किया गया? तो 24 जनवरी 2013 को राजस्थान राज्य बालिका नीति का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले पोक्सो कोर्ट को किस जिले में स्थापित किया गया? तो जयपुर में राज्य के पहले पोक्सो कोर्ट को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी चलो अभियान कब संचालित किया गया? तो 3 जुलाई 2017 को आंगनबाड़ी चलो अभियान संचालित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्तजनों की अल्प एवं दीर्घ अवधि की समस्याओं का समाधान करने के लिए 19 अक्टूबर 2011 को किस निदेशालय की स्थापना की गई? तो निःशक्तजनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निःशक्तजन निदेशालय की स्थापना 19 अक्टूबर 2011 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 मार्च को नहीं, बल्कि अभी फ्रेंड मेरे को भी याद नहीं है, तो फ्रेंड राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 मार्च को नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 5 मार्च 2007 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध हेतु निर्धारित लड़कों की आयु कितनी है? तो 8 से 16 वर्ष बाल अपराध हेतु निर्धारित लड़कों की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड बेकर समाजशास्त्री द्वारा वर्ष 1966 ईस्वी में बाल अपराध के प्रकार बताए गए, इनमें से कौन से हैं? तो व्यक्तिगत बाल अपराध, समूह समर्थित बाल अपराध, संगठित एवं स्थिति जन्य बाल अपराध, ये सभी हार्वर्ड बेकर समाजशास्त्री द्वारा बताए गए बाल अपराध में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल अपराध के सही कारण हैं? तो पारिवारिक कारण, अपराधी भाई बहन, आर्थिक स्थिति, माता पिता के द्वारा तिरस्कार आदि, भौतिक वंशानुक्रम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सभी बाल अपराध के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अपराध, बाल हिंसा, बाल श्रम आदि कई सामाजिक बुराइयों के लिए कौन सी संस्था कार्य कर रही है? तो यूनिसेफ संस्था बाल अपराध, बाल हिंसा और बाल श्रम अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यूनिसेफ संस्था कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस तिथि को होते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अखातीज को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट कब बनाया गया? तो 1929 में शारदा एक्ट हरिविलास शारदा के प्रयासों से बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्य मेल विवाह और बाल विवाह निषेध व अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने लागू किया? तो अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम अलवर रियासत ने सर्वप्रथम लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह के दोषी पक्षकारों की सजा का प्रावधान है? तो बाल विवाह के दोषी पक्षकारों को 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा ने विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक को मंजूरी कब दी? तो 27 अगस्त 2009 को विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक को राजस्थान विधानसभा ने मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत जयपुर से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय के अनुसार देश में कुल बाल श्रमिक जनगणना 2011 है? तो 43.53 लाख बाल श्रमिक 2011 की जनगणना के अनुसार देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बाल श्रमिक माना गया है तो 14 वर्ष से कम आयु के बालक को भारत सरकार ने बाल श्रमिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम के कारण हैं तो निरक्षरता एवं जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक स्थिति कमजोर होना व बाल श्रमिकों का सस्ती दर पर उपलब्ध होना, ये सभी बाल श्रम के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो अनुच्छेद 15(3) के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन करने के बाद किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है? तो 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना इसके लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? तो 14 नवंबर 2012 से पोक्सो नियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पुश्तैनी कार्यों में अपने परिवार का हाथ बंटा सकते हैं? तो 13 मई 2015 से बाल श्रम कानून में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986 किस समिति की अनुशंसा पर लागू किया गया? तो गुरुपद स्वामी समिति की अनुशंसा पर बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986 लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री कानूनी तौर पर गर्भपात किन स्थितियों में करवा सकती है? तो जब गर्भ की वजह से महिला की जान को खतरा हो, महिला के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, गर्भ बलात् के कारण ठहरा हो, बच्चा गंभीर रूप से विकलांग या अपाहिज पैदा हो सकता हो, महिला या पुरुष द्वारा अपनाया गया कोई भी परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो, तो इन परिस्थितियों में महिला द्वारा गर्भपात करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना एवं खान अधिनियम के तहत महिलाओं को किस समय से लेकर किस समय तक काम पर नहीं लगाया जा सकता? तो 7:00 से 6:00 के बीच कारखाना एवं खान अधिनियम के तहत महिलाओं को काम पर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट गर्भावस्था अधिनियम कब लागू हुआ? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अर्थात गर्भावस्था अधिनियम 1971 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भपात एक जघन्य अपराध है, किस धारा से संबंधित है? तो धारा 312 से गर्भपात एक जघन्य अपराध है धारा से संबंधित है, धारा 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को 12 वर्ष की कम आयु से पहले घर से निष्कासित कर दिया जाए तो उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 317 के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को घर से निकालने पर सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कानून संशोधन अधिनियम निर्भया एक्ट कब लागू किया गया? तो 3 अप्रैल 2013 को निर्भया एक्ट लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? तो 1956 में महिलाओं तथा लड़कियों की तस्करी के लिए देह व्यापार रोकथाम अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम कब बना? तो 1986 में महिलाओं का अश्लील प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन करने के बाद किस प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है? तो 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन के बाद किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो 14 नवंबर 2012 को पोक्सो अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश पोक्सो एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म करता है तो उस दोषी पक्षकार को पोक्सो की किस धारा के तहत 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है? तो धारा 4 के अंतर्गत किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म या कुकर्म करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा धारा 4 के अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चों की अश्लील फिल्में बनाता है या यौन कार्य करवाता है तो दोषी पक्षकार को पोक्सो की किस धारा के अंतर्गत 5 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान है? तो धारा 13 और 14 के अंतर्गत यदि कोई बच्चों की अश्लील फिल्में बनाता है या यौन शोषण कार्य करवाता है तो उसके लिए 5 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 में भारतीय दंड संहिता के अनुसार स्वतंत्र सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो स्वतंत्र सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 16 से 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देख रेख तथा उनके संरक्षण की समिति का गठन किया गया है? तो बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? तो राज्य महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर में है और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती को अभी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध की सजा का प्रावधान किस में किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता 1860 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा कब जारी किया गया? तो 17 मई 2016 को राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कब अधिनियम बनाया गया? तो 2013 में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए रोकथाम अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज प्रतिबंध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 26 जून 1961 को दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु दहेज प्रतिबंध अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बनाम विशाखा केस का सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला कब सुनाया? तो राजस्थान बनाम विशाखा केस का फैसला 1997 ईस्वी को सुनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत क्या है? तो हिम्मत एक ऐप है जो दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 2015 को राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल कब अनुमोदित किया गया? तो 3 तलाक अर्थात द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज 31 जुलाई 2019 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री सदस्य तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु तो 16 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष से अधिक है या 21 वर्ष से अधिक है, उसे स्त्री सदस्य तात्पर्य है किसी भी आयु की हो इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति कब प्रदान की? तो भारतीय दंड संहिता 1860 पर 6 अक्टूबर 1860 को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई तो 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता प्रवर्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु के अपराध में अक्षम डोलिंग इन कैप्स माना गया है? तो 7 वर्ष से कम आयु के अपराध में अक्षम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी संपत्ति से शिशु के लाभार्थी किया गया कार्य में शिशु की आयु है तो 12 वर्ष से कम शिशु की आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी स्त्री की सहमति से उसका गर्भपात कराता है तो उसने अपराध किया है? तो धारा 312 के अंतर्गत स्त्री की सहमति से गर्भपात करवाना धारा 312 में अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7 वर्ष से कम उम्र के बालक के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में ऐसा प्रावधान है? तो धारा 98 में कम उम्र के बालक के विरुद्ध भी आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संप्रदाय को विरोधी संप्रदाय के सदस्यों पर हमला करने के लिए एक स्थान पर मिलने हेतु उकसाया जाता है अपने भारतीय दंड संहिता की नियमन धारा में यह अपराध है? तो यह धारा 117 में एक अपराध है। तो फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु कितने समय तक होने वाली मृत्यु को माना जाता है विवाह के समय के बाद? तो 7 वर्ष तक के अंतराल अर्थात विवाह के 7 वर्ष तक अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु दहेज मृत्यु के अंतर्गत मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे अपने महिला एवं बाल विवाह बाल अपराध के 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।